नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहले चरण के मतदान को लेकर डीएम और एसएसपी पहुंचे कहलगांव। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए भयमुक्त चुनाव कराने की कही बात। जगदीशपुर रेक पॉइंट पर मुखिया की दबंगई आई सामने। राइफल के बट से मारकर दो व्यक्ति को किया घायल। सीमेंट कंपनी के मुंशी से लूटे रुपए। भागलपुर में हथियार लेकर सनकी आशिक पहुंचा प्रेमिका के घर। शादी कराने का बनाया दबाव, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। चुनाव में अशांति फैलाने वालों की अब खैर नहीं। और नवगछिया में 8 वर्षीय बच्चे की धार में डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अब समाचार विस्तार से। 28 अक्टूबर को पहले चरण में होने वाले मतदान को लेकर शनिवार को डीएम प्रणब कुमार एवं एसएसपी आशीष भारती कहलगांव पहुंचे और एनटीपीसी सुजाता प्रेक्षागृह में कहलगांव और पीरपैंती विधानसभा चुनाव को लेकर नियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की एवं भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में कोरोना को लेकर चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि एनटीपीसी के मतदाताओं के लिए 6 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदाताओं की सुविधा के लिए डीएम ने 2 बसों का इंतजाम कर वोटरों को ले जाने और लाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। गौरतलब हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनटीपीसी मतदान केंद्र पर मात्र 13 मत ही पड़े थे। भागलपुर जगदीशपुर के टेक्नी स्टेशन पर चल रहे रेक प्वाइंट पर आपस में 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान सेनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव एवं उसके पुत्र सोनू यादव ने राइफल के बट से 2 लोगों को मारकर जख्मी कर दिया। घटना में योगी वीर निवासी सुनील बिंद एवं प्रदीप महतो बुरी तरह घायल हो गए हैं। वहीं सीमेंट कंपनी के मुंशी राजेश सिंह एवं सौरभ सिंह ने मुखिया एवं उसके पुत्र पर 2 लाख रुपये लूटने का भी आरोप लगाया है। घटना को लेकर बताया गया कि मुंशी के द्वारा एक पक्ष के लोगों की गाड़ी को पहले लोडिंग दिया जाता था, जिससे नाराज मुखिया ने अपनी दबंगई दिखाते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह एवं जगदीशपुर थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रहे हैं। भागलपुर में शनिवार को एक सिरफिरा आशिक प्रेमिका से मिलने हथियार लेकर उसके घर पहुंच गया और पिस्तौल का भय दिखाकर लड़की के परिजनों से उसकी शादी करवाने की धमकी देने लगा। घटना से भयभीत लड़की के घर वालों ने किसी तरह स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर जुटे लोगों ने सनकी आशिक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना इशाकचक थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार की सुबह वारसल्लीगंज निवासी सनकी आशिक साहिल शाह लोडेड देसी कट्टा लेकर कथित प्रेमिका के घर पहुंचकर शादी कराने का परिजनों पर दबाव बनाने लगा। घटना की सूचना मिलते ही इशाकचक पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी आशिक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि शाहिल शाह युवती के साथ लगातार छेड़खानी कर रहा था, जिसकी सूचना युवती ने अपने परिजनों को दी थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहाँ रोड पे हम तो दुकान में थे, आया बोला कि अथी लड़की को दिखाइए। बोले लड़की क्या बोलेगा, ऐसे ऐसे बात है जो दिखाइए। कहिए अच्छा, बोलाइए बाप माए को, हम जो होगा देखेंगे, ऐसा है तो हम शादी ब्याह कर देंगे। उसको बोले भेजने के लिए, बस वो जो आया वो साथ में सामान लेके आया, घर में बैठाया। बोलो क्या बात है, बाप माँ है तुम ना है, मेरा बाप बाप माँ ना है, मेरा बाप है अथी मौसी है, तो मौसी ना बाप माँ को लेकर आइए, हम जैसे होगा तैयार है लड़की तो हम तैयार करके शादी कर देंगे। आया और उसके बाद उसको बोले कि क्या बात है, बोला कि नहीं हमको, हम बोले कि तुम्हारा घर कहाँ है, बोला वारसलीगंज, बोले कि तुम अपना माँ बाप को लेके आओ। माँ बाप को नहीं ला करके ये अपना बोलता है मम्मी है, कभी बोलता है मौसी है, कभी बोलता है दीदी है। हम बोले तुम्हारा गार्जियन कौन है उसका ये उसको बताओ, तो गार्जियन हमारा गार्जियन यहाँ नहीं है, तो गार्जियन नहीं है तो ये गार्जियन बन के आया है, तो बोला हाँ। उसके बाद कमर से सामान निकाल करके ताने लगा तो लड़का सब पकड़ लिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को भागलपुर के भीकनपुर त्रिमूर्ति चौक के समीप पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च भीकनपुर RBSSS रोड होते हुए विभिन्न इलाकों से गुजरा और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए लोगों में भरोसा जगाया। अपराध मुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए SSP आशीष भारती के निर्देश पर जिले के अलग अलग इलाकों में बिहार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे मतदाता भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सकें और अपराधियों पर नकेल कसी जा सके।
चुनाव में सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बिहार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जिला नवगछिया के बोचाहा धार में डूबने से एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राघोपुर पंचायत के बड़ी आलमपुर गांव निवासी अनिल मंडल के पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई है। शनिवार की सुबह स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को धार से बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची परवत्ता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को राजा शौच के लिए बोचिया धार के समीप गया था। काफी देर बीत जाने के बाद जब वह वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन की गई, जिसके बाद उसके धार में डूबने की जानकारी मिली। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ धार में डूबने के कारण इस बच्चे का मौत हो गई। किसका? राजकुमार का। घर? घर बरिया लालपुर, पिता का नाम अनिल मंडल। भागलपुर के समीक्षा भवन में शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार से चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव कार्य में पूरा सहयोग देने और चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। साथ ही तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान जिले के तमाम अधिकारियों, चुनाव कार्य से जुड़े कर्मियों और राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ भी चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में ऑब्जर्वर के साथ पदाधिकारियों और राजनीतिक दलों की बैठक फिलहाल चल रही है। और आपने देखा कि बैठक में जिलाधिकारी प्रणब कुमार के द्वारा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ऑब्जर्वर को कई महत्वपूर्ण जानकारियां, चुनाव से संबंधित जो भी तैयारियां की गई उस सभी जानकारियां दी जा रही हैं लगातार। और इसके लिए आश्वस्त किया जा रहा है कि भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव जो होना है, दो चरणों में होना है, वो 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को होना है। तो इस चुनाव के लिए भागलपुर में तैयारियाँ पूरी तेजी से की जा रही हैं और उसके लिए काफ़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। जिलाधिकारी के साथ ऑब्जर्वर और एसएसपी भी यहाँ मौजूद हैं और जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव को लेकर के गहन चर्चा की जा रही है और साथ ही ऑब्जर्वर जो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, नियुक्त किए गए हैं, जो भी चुनाव आयोग की ओर से, वो सभी ऑब्जर्वर भागलपुर आ चुके हैं और उनके साथ ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और साथ ही यह गाइडलाइन भी जारी किया गया, राजनीतिक दलों से भी यह बात की गई कि शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव को संपन्न कराया जाए, जिससे किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो और ना ही किसी के तरह की कोई समस्या हो। तो इसको लेकर के फिलहाल जिलाधिकारी पूरा ब्यौरा देते हुए यहाँ भागलपुर के समीक्षा भवन में बैठक के दौरान चुनाव पर्यवेक्षकों को, कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हासिल, टीवी भागलपुर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950।
अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर और नाथनगर से नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन किसी भी प्रत्याशी का एनआर नहीं कटा और ना ही किसी उम्मीदवार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। दरअसल निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार शनिवार को नजारत काउंटर बंद रहा। हालांकि इस दौरान ड्यूटी में तैनात प्रशासनिक अधिकारी और कर्मी कार्यालय में सशमय उपस्थित दिखे, जबकि जानकारी के अभाव में कई अभ्यर्थी एनआर कटाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी शह एडीएम राजेश झा राजा ने बताया कि शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण अब सोमवार को ही नजारत रसीद कटेगी और प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इधर भागलपुर निर्वाची पदाधिकारी, सह अनुमंडल अधिकारी आशीष नारायण एवं अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के चैम्बर के इर्द गिर्द सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। एनआर आज चूंकि अवकाश का दिन है तो अवकाश के दिन में जो आपको नॉमिनेशन नहीं फाइल होता है, तो जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होगा, जिस दिन अवकाश नहीं रहेगा, उस दिन एनआर भी आपको नहीं कटेगा। तो ये आपको जो नोटिफिकेशन निकलती है प्ररूप एक में, उसमें स्पष्ट रूप से उसके कंडिका तीन में प्रावधानित किया गया है कि अवकाश के दिनों में प्ररूप जो 2B है या फॉर्म 26 शपथ के लिए है वो नहीं दिया जाएगा। इसलिए आज एनआर नहीं कटेगा, इसके लिए सोमवार को फिर से प्रारंभ होगा। यह बिहार विधान परिषद के कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 22 अक्टूबर को होगा। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं उम्मीदवारों ने भी पूरी दमखम के साथ कैंपिंग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को भागलपुर के नीलकंठ नगर में कोशी स्नातक क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई जानकारी दी। इस दौरान एमएलसी प्रत्याशी सह तालर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर सिंह ने दावा किया कि वित्त रहित शिक्षा नीति, समान काम के लिए समान वेतन एवं एक समान शिक्षा को लागू करने के लिए वह सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बिहार विधान परिषद के चुनाव में वोटरों पर भरोसा करते हुए कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजय होने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भागलपुर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी, विनय मिश्रा, गिरधर राय, मृणाल शंकर, मनीष कुमार, विकास सिंह, डॉक्टर श्वेत प्रशांत, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा समेत कई लोग मौजूद थे। 22 तारीख को विधान परिषद का चुनाव होना है, इसमें हमारे साथ जितने भी प्रत्याशी हैं सर्वविदित है,
सभी जानते हैं, हमारे मतदाता भाई भी अवगत हैं, कोई किसी पेशा से जुड़े हुए हैं, कोई कोचिंग चलाते हैं, और भी जो प्रत्याशी हैं उन्हें शिक्षा जगत से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा नीति जो बिहार की है, जब से ये हमारे एनडीए की सरकार हुई है, सिर्फ गुणात्मक शिक्षा की ढिंढोरा पीट रही है कि कोसी स्नातक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ताड़र महाविद्यालय के प्रचार आदरणीय प्रदीप सिंह जी हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार हैं, और हम दमखम के साथ पहले भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी हम चुनाव विधान परिषद स्नातक का चुनाव हम दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को भागलपुर सदर अस्पताल सभागार में मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में सरकारी कर्मियों की स्वास्थ्य जांच की गई। विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगाए गए विभिन्न विभागों के कर्मियों ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव ड्यूटी में नाम कटवाने को लेकर आवेदन दिया है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर तमाम कर्मियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान 784 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। मौके पर डिप्टी कलेक्टर विकास कुमार कर्ण, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर रब्बानी, डॉक्टर राजू, डॉक्टर अनुपमा सहाय, अस्पताल प्रबंधक जावेद मंजूर समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शराब तस्करों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। शनिवार को गोराडी पुलिस ने विरनौद गांव में छापेमारी कर पेड़ के नीचे छिपाकर रखा गया 98 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गोराडी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विरनौद निवासी के सिंह के घर में छापेमारी की गई, जिसमें घर के आंगन में छिपाकर रखे गए शराब को बरामद किया गया। साथ ही के सिंह के पुत्र आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर कोतवाली थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शनिवार को शांति समिति एवं दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान थाना प्रभारी की ओर से सभी को कोविड को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। साथ ही पूजा के दौरान प्रतिमा स्थापित नहीं करने एवं भीड़ नहीं लगाने की हिदायत दी गई। वहीं समिति के सदस्यों ने भी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए इस वर्ष सिर्फ कलश स्थापित कर पूजा करने का भरोसा दिलाया। गाइडलाइन तो आ गया है, अच्छा है, अच्छा लगा, हम लोग को भी बहुत खुशी हुई, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम के लिए आया, पहले आया, इतना शॉर्ट टाइम का नोटिस मिला जो हम लोग के लिए, खास करके युवक संघ के लिए, इतने कम समय में ये पूरा अरेंजमेंट करना हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो पड़ती थी। इसीलिए हम लोग ने इस बार डिसाइड किया 2020 में COVID-19 और इलेक्शन को देखते हुए हम लोग इस बार मारवाड़ी पाठशाला में पूजा नहीं करेंगे। लॉकडाउन के बाद मजदूर वर्ग के लोगों को भयानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद स्थिति सामान्य होता देख मजदूर वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। बता दें कि काम की तलाश में दिल्ली जा रहा भागलपुर गोराडी क्षेत्र के उस्तु पंचायत का 33 वर्षीय राजेंद्र रविदास भटककर बांग्लादेश पहुंच गया। राजेंद्र अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, जो मानसिक तथा शारीरिक तौर पर अस्वस्थ होने के बावजूद मजदूरी कर कमाता था और मजबूरी में मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाने के क्रम में गलती से भटककर बांग्लादेश सीमा में प्रवेश कर गया, जहां बांग्लादेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद राजेंद्र बांग्लादेश के नटोरे जिला में कारावास की सजा भुगत रहा है। वहीं राजेंद्र रविदास की मां मीकिया देवी ने बताया कि उनका परिवार बहुत गरीब है, विवश होकर ब्याज पर 20,000 रुपए लेकर बांग्लादेश पुलिस को दी, मगर फिर भी राजेंद्र को नहीं छोड़ा गया। राजेंद्र की मां ने भारत सरकार से गुहार लगाकर अपने बेटे को बांग्लादेश से वापस अपने देश लाने के लिए दर दर भटक रही है। इधर राजेंद्र रविदास को भारत वापस लाने के लिए सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। बांग्लादेश में मुर्शिदाबाद से दुनिया में चलो जी बाबू, बेटा हमारा बांग्लादेश दुनिया में जेल चलो जी बाबू, कहे की दुनिया में कैसे भारत सरकार से दुनिया में बाबू माफी मंगी के मंगी रहे थी, बेटा के मैं दुनिया में कहाँ पर जे बेटा, बेटा हमारा नानी दा बाबू मेरा दुनिया में कहाँ तुम्हें बेटा दुनिया में पे गए बाबू मैं। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पहले चरण के मतदान को लेकर डीएम और एसएसपी पहुंचे कहलगांव, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए भयमुक्त चुनाव कराने की कही बात।
जगदीशपुर रेक पॉइंट पर मुखिया की दबंगई आई सामने। राइफल के बट से मारकर दो व्यक्ति को किया घायल। सीमेंट कंपनी के मुंशी से लूटे रुपए। भागलपुर में हथियार लेकर सन की आशिक पहुंचा प्रेमिका के घर। शादी कराने का बनाया दबाव, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। चुनाव में अशांति फैलाने वालों की अब खैर नहीं। और नवगछिया में 8 वर्षीय बच्चे की धार में डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।